Hello students, so today we are going to talk about detection or reception of digital signals. For example, अभी तक हमने क्या किया है कि हम digital signals को एक जगह से दूसरी जगह पर transmit करते हैं via any digital technique. For example, PCM, DPCM, DM, ADM, वो सारा portion हमारे पास सिर्फ digital transmission का है. जब हम digital transmission कर दिया हमने वाया एनी चैनल, उसके बाद काम आता है कि भी जब रिसीवर साइड पर वो चीज़ जाएगी तो रिसीवर साइड पर उसे डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो कौन सा रिसीवर यूज़ होगा, उस नॉइज़ को कैसे हम डील करते हैं, उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक डाटा सेंड किया है कि एज वी नो कि इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स हम जो भी डाटा सेंड करते हैं वो हमेशा जीरो या वन की फॉर्म में होता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने वन सेंड किया और वन के लिए आई हैव सेंट अ पल्स, एक ऐसी पल्स मैंने सेंड कर दी. यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज है और इस एक्सिस पर आई हैव द टाइम. सो ये पल्स जीरो टू वी और यहाँ पर टाइम पीरियड टी. तो जनरली जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर वन है तो वन के लिए हाई सिग्नल सेंड करते हैं, जीरो है तो जीरो के लिए लो सिग्नल सेंड करते हैं. तो वन के लिए मैंने एक पल्स सेंड कर दी. तो अब ये पल्स वाया चैनल जब अपने रिसीवर साइड पर आएगी तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ऐसी ही पल्स ऑब्टेन हो जाए मेरे पास वापस, वोल्टेज एंड टाइम. बट दिस इज़ नॉट सो ईजी एज इट सीम्स, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारे पास रिसीवर साइड पर आते आते उसमें नॉइज़ भी ऐड हो गया है. यहाँ पर एक नॉइज़ का भी है जो चैनल में है, तो वो नॉइज़ चैनल में ऐड हो गया. और बाई चांस अगर नॉइज़ का मैग्नीट्यूड आपके पल्स के लेवल के मैग्नीट्यूड से इनक्रीज कर गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मेरे पास, जैसे पहली चीज़ तो आपको यह याद रखनी है कि नॉइज़ जब भी ऐड होगा तो नॉइज़ आपका एम्पलीट्यूड पर ऐड करता है. हमेशा नॉइज़ कभी भी सब्ट्रैक्टिव या फिर आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, हमेशा नॉइज़ ऐड करेगा. एडिटिव, हमेशा नॉइज़ एडिटिव नेचर का होता है. तो आपको यहाँ पर यह ऐड कर देना. अब नॉइज़ ऐड हो गया तो जनरली नॉइज़ ऐसा ऐड हो जाता है कि ये नॉइज़ ऐड हो गया जिससे इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर गया. बट अगर इन केस यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो जाए कि नॉइज़ का अपना मैग्नीट्यूड उस पल्स के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से हायर है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नॉइज़ ऐड हुआ वो ऐसे ऐड हो गया लाइक दिस. अब जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो पल्स का वोल्टेज लेवल है वो फॉर एग्जांपल है 5 वोल्ट, कि एक पल्स हमने जो अज्यूम की है वो 5 वोल्ट की पल्स है और उसमें जो नॉइज लेवल है वो नेगेटिव साइड में उसका एम्पलीट्यूड चला गया -7 वोल्ट. अब जब ये -7 वोल्ट इस 5 वोल्ट पर सुपर इम्पोज होगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -2 वोल्ट. और ये जो -2 एम्पलीट्यूड है ये अब आपको पॉजिटिव पल्स नहीं देगा, ये अब आपको नेगेटिव पल्स दे देगा. और दैट मीन्स अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो जैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव पल्स मीन्स 1 एंड नेगेटिव पल्स मीन्स 0. तो दैट मीन्स हमारे पास हमने जो ट्रांसमिट किया था वो था 1 और जो रिसीव हुआ वो हमारे पास आ गया 0. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम डिजिटल डाटा को सेंड करते हैं तो एक्चुअली में एरर कैसे आ जाती हैं. तो एरर नॉइज़ ऐड होने पर ही आती हैं. बट पहली चीज़ तो एरर ऐसे आएगी कि 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1. और दूसरी चीज़, जहाँ भी आपका नॉइज़ का मैग्नीट्यूड सिग्नल के मैग्नीट्यूड को एक्सीड कर जाएगा वहीं पर आपकी एरर आ जाएगी. जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, दैट मीन्स जहां भी मैं आपसे ये कहूंगा कि नॉइज मैग्नीट्यूड इज लार्जर देन सिग्नल मैग्नीट्यूड तो वहीं पर मेरे पास एरर है.
ऐसे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एरर का ये है कि नॉइज हमेशा ऐड होगा, और दूसरा नॉइज का मैग्नीट्यूड अगर सिग्नल के मैग्नीट्यूड को एक्सीड कर गया तो वो हमारे पास में एरर आ जाएगी। नाउ सेकंड थिंग जो इसमें बात करते हैं हम लोग, वो आती है कि पहले हम ये कंसिडरेशन में लेंगे कि जो नॉइज हमारे पास ऐड हो रहा है वो किस टाइप का नॉइज है, क्या है वो नॉइज। क्योंकि जैसे मैं हमने ये भी डिस्कस किया है पहले कि हमारे पास बहुत टाइप के नॉइज हैं, अब हम किस नॉइज को कंसिडर करें और किस नॉइज को कंसिडर नहीं करें। अब हमने जब रैंडम वेरिएबल थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने यही कहा था कि एक्चुअली जो नॉइज है वो टोटली रैंडम है, जिसकी वजह से हम वो पूरी रैंडम वेरिएबल उसमें यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको कोई एक नॉइज कंसिडर करना पड़ेगा जिससे ये पता चलेगा कि अच्छा इस नॉइज के कोरस्पॉन्डिंग ही मुझे ये काम करना है। अब जैसे यहाँ पर हमें ये याद रखना है सबसे पहले कि नॉइज प्रेजेंट इन द चैनल इज ए डब्ल्यू जी एन। तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, एडिटिव ए स्टैंड फॉर एडिटिव, वाइट गॉशियन नॉइज। अब इसके एक एक वर्ड पर एक एक टर्म पर आऊंगा मैं स्पेसिफिकली कि व्हेन वी से कि एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज का मतलब क्या है। एडिटिव यू नो वेरी वेल, अभी मैंने हमने यही डिस्कस किया है कि वो सिर्फ ऐड होगा, मतलब एडिटिव नेचर का ही होगा, हमेशा सिग्नल में ऐड ही करेगा। सेकंड थिंग वाइट पर अभी आऊंगा, फर्स्ट बात करते हैं गॉशियन की। अब आपको याद होगा कि रैंडम थ्योरी में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस थे और उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन था गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉशियन डिस्ट्री जो नॉइज गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे वो हमारे पास में एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज होता है। दैट मीन्स आई कैन से कि इट फॉलोज गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे होगा सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। और कंडीशन क्या है कि गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मींस ऐसा हो जाएगा गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ये इसका पीडीएफ है। तो जनरली गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा होता है, सिग्मा रूट टू पाई ई रेस टू पावर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में टू सिग्मा स्क्वायर। लेकिन ये केस जब है व्हेन इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। अब ये क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसमें एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर। तो वो नॉइज जो गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करे वो हमारे पास गॉशियन नॉइज हो जाता है। तो ये जो नॉइज है जो चैनल में है वो गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है, फॉलो करता है, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। नंबर टू वाइट वर्ड, इसकी जो हमने एक वर्ड और पढ़ा है रैंडम थ्योरी में, दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नाउ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी स्टैंड फॉर के भाई आपका जो पावर स्पेक्ट्रम है वो किस वे से, अब मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। तो यहाँ पर क्या है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज पर आपकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। दैट मीन्स
ऐसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय SF. SF हो गया, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस साइड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, इस साइड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज कांस्टेंट, दोनों साइड में कांस्टेंट, यहां भी और यहां भी, हैविंग अ वैल्यू ईटा बाय 2. तो दैट मींस इसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू हो जाती है ईटा बाय 2. तो एक चीज तो याद रखनी है ये. अब क्योंकि ये दोनों के लिए यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है वाइट. वाइट मींस यूनिफॉर्म फॉर ऑल. तो दैट मींस व्हेन आई से एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक उसमें ऑटोमेटिकली आ गई हैं कि ऐड होगा नॉइज, नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गॉसियन होगा. अब सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, और नॉइज तो है ही. तो ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा, कि जब हम बोलते हैं कि हम नॉइज कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड द चैनल, तो इट इज ऑलवेज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज. नाउ लुक, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिसीवर. तो जब हम रिसीवर की बात करते हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर. तो सबसे पहला डिजिटल में रिसीवर है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर. अब देखिए इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर कैसा है. ये मेरे पास में सिग्नल है जिसको मुझे सेंड करना है, XT, एक पॉजिटिव वोल्टेज की पल्स है, इसको मुझे सेंड करना है. ये XT सिग्नल मैंने सेंड किया, जब ये चैनल में से पास हुआ तो एक नॉइज ऐड हो गया, ये यहां से हमारे पास में नॉइज ऐड हो गया चैनल में से, और ये चीज फाइनली रिसीवर पर आ गई. और रिसीवर में सबसे पहले बनाना है आपको एक इंटीग्रेटर ओप एम्प से. ऐसा होता है RC नेटवर्क ओप एम्प के साथ. तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेटर. अब इसमें हम दो लगाएंगे स्विच, एक ये और एक ये वाला जो स्विच है इसे बोलते हैं डंप स्विच, और इसे बोलते हैं सैंपलिंग स्विच. तो ये दो अलग अलग तरीके के स्विच है हमारे पास. तो DS स्टैंड फॉर डंप स्विच एंड SS स्टैंड फॉर सैंपलिंग स्विच. अब दैट मींस के आउटपुट, चलो इनकी वर्किंग की बात करते हैं. डंप स्विच का मीनिंग क्या है, एज यू कैन सी कि ये कैपेसिटर के पैरेलल में यूज हो रखा है. तो जो भी कैपेसिटर, अब हमें पता है कि कैपेसिटर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट होल्ड द वैल्यू, तो वो एक वैल्यू को होल्ड करके रख लेता है. तो उसको डिस्चार्ज कराने के लिए हमें उसके पैरेलल में जो स्विच यूज करना है वो है डंप स्विच. ये हो गया. अब जब हम बात करेंगे इसकी सैम्पलिंग स्विच, दैट मीन्स जो भी आउटपुट आ रहा है वो, अगर मैं यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम मान लूं कि एट टी इंटरवल, तो दैट मीन्स आफ्टर एवरी टी इंटरवल ये जो स्विच है मेरा, ये हमारे पास में सैंपल्ड वैल्यू देना स्टार्ट हो जाएगा. और ये मेरे पास मान लो वैल्यू आ रही है V0 15, ऐसे ये आउटपुट आ गया इसका. अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ रिसीवर. रिसीवर का आउटपुट क्या आएगा, रिसीवर का आउटपुट आएगा जो भी इनपुट में आ रहा है उसका इंटीग्रेशन. नाउ वी नो वेरी वेल कि अगर कहीं भी मैंने कोई इंटीग्रेटर लगाया है, तो इंटीग्रेटर में क्या होता है कि आउटपुट इज
एक फैक्टर आता है आर सी, 1/RC, जिसे हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इंटीग्रल इनपुट का, ऐसे आ जाता है। तो दैट मींस यहाँ क्या आएगा, 1/RC इंटीग्रेशन 0 to t, और इनपुट में मेरे पास क्या है, xt+nt, ये है इनपुट में, तो इसका हो गया इंटीग्रल। नाउ अब वी विल अज्यूम कि लेट RC इक्वल टू टाउ, वो टाइम कांस्टेंट ही है वैसे, तो दैट मींस ये हो गया 1/tau इंटीग्रल xt प्लस 1/tau इंटीग्रल nt, ऐसे आ गया। अब xt में मेरे पास एक्चुअली में क्या है, एक वोल्टेज पल्स है जिसका आउटपुट v है, तो दैट मींस आई कैन राइट 1/tau इंटीग्रल ऑफ v dt, ऐसे। और नॉइज का तो अभी ठीक है, AWGN हमारे पास, बट उसका एज सच कोई फॉर्मूला या वो सब हम अभी यूज नहीं करेंगे, तो इस पूरे फैक्टर को ही मैं मान लूंगा n0t, तब इसे कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो ये हो गया n0t यहाँ पर। अब जैसे ही ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा vt/tau+n0t। तो ये हमारा इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर का फाइनल आउटपुट है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसमें SNR।